बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं, आज नगर निगम हाउस की मीटिंग है और सभी पार्षदों से हम बातचीत करेंगे हाउस मीटिंग से पहले। ये बड़ी खबर इस समय करनाल से आज देख सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कई महीनों बाद होने वाली हाउस मीटिंग पर सभी की नजरें जरूर टिकती है कि नगर निगम की हाउस की मीटिंग में आखिरकार क्या कुछ निकल कर सामने आएगा, किन किन बातों पर चर्चा होगी। ये लाइव तस्वीर इस समय आप देख सकते हैं, एक करके सभी पार्षदों से बातचीत करेंगे। इस समय महिला पार्षद मेघा भंडारी सेक्टर 6 से हमारे साथ मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? आज नगर निगम हाउस की मीटिंग है, सभी की नजरें रहती हैं, क्या कहेंगे इस पर? जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारे विकास कार्य हैं करनाल के, वो बहुत सुचारू रूप से चल रहे हैं, बट जो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है वो मेन प्रॉब्लम यही आ रही है कि जो बंदर और कुत्ते हैं उसकी समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो हमारी कमिश्नर साहब और मैम, मेरे मैम से यही अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी टेंडर लगाया जाए इसका, ताकि जो हमारे करनाल के नागरिक हैं और जो हमारे वार्डवासी हैं जो ये समस्याएँ कर रहे हैं, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो उसकी जो सोल्यूशन निकले। बाकी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, मेयर मैम, कमिश्नर साहब सब बहुत अच्छा हमें पूरा साथ दे रहे हैं, हमारा बहुत अच्छा विकास चल रहा है और ऐसा ही चलता रहेगा। और एक मैम, नगर निगम में कुछ भ्रष्टाचारी जानवर भी घुस आए थे, आपको पता होगा पिछले दिनों नगर निगम में नो ड्यू सर्टिफिकेट घोटाला हुआ, वो अंदर के हैं बाहर के हैं, लेकिन अभी तक एक महीना हो जाने के बावजूद भी उनके बारे में पता नहीं चल पाया, एक की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, ऐसा क्यों है? उसकी अभी अच्छी तरह से जांच हो रही है और ये चीज़ है जो ये भ्रष्टाचार जो है ये जड़ से ख़त्म करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, ताकि पूरी एक जांच हो सके और जो भ्रष्टाचार जो लोग हैं उनको अच्छे से सज़ा मिल सके। लेकिन लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं, लगातार एक महीना हो चुका है, अभी तक एक भी आरोपी गिरफ्तार नहीं। वो इसीलिए नहीं हुआ कि शायद अच्छी तरह से जाँच हो जाए, प्रॉपर ग्राउंड लेवल तक पता लगे कि क्या कॉज है, कौन मेन कॉर्पोरेट है, उसकी वजह से ये देर। इंतजार करते हैं कि आखिरकार नगर निगम के नो ड्यू सर्टिफिकेट घोटाले में क्या कुछ निकल कर सामने आएगा। अभी पार्षदों से हम बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि आज की हाउस मीटिंग काफी हंगामेदार भी हो सकती है और कहीं ना कहीं जो नो ड्यू सर्टिफिकेट मामला है, नो ड्यू सर्टिफिकेट घोटाला जो नगर निगम में एक महीने पहले सामने आया था, उस पर भी जो है विशेष तौर पर चर्चा रहने वाली है। कुछ और पार्षद हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे। भूपेंद्र नोत्रा जी, क्या कुछ कहेंगे आज की हाउस मीटिंग में, क्या कुछ हो सकता है? 2 बजे मीटिंग शुरू होने वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक मेन मुद्दा रहेगा, नो ड्यू सर्टिफिकेट घोटाला जो नगर निगम एक बहुत बड़ा घोटाला हो जाता है, शहर के तमाम लोगों की जो है निगाहें उस घोटाले पर टिकी हुई है कि महीना हो जाने के बावजूद भी आखिरकार ऐसा क्या है कि एक भी कर्मचारी या अधिकारी या बाहर का जो भी दलाल है अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ, इस पर जांच कहां तक चढ़ी आगे सिरे? देखिए, ये तो संज्ञान का विषय है और बाकी जांच चल रही है इसके अंदर, और जो भी होगा उसको बिल्कुल जनता के सामने हम लेके आएंगे और लगातार हम हर चीज़ की आवाज़ उठाते रहे हैं, तो इस घोटाले की भी आवाज़ उठाएंगे और अपने हाउस की मीटिंग में भी ये बात रखेंगे कि ये पता लगे कि किसने ये इतना बड़ा घोटाला किया है और ये जनता के पैसों के ऊपर ही एक तरह का डाका है। और आज के टाइम में एक आम आदमी बेचारा जिसने 50-100 गज के मकान ले, प्लाट ले रखे हैं या मकान ले रखे हैं, किसी ने अपनी लोन लिया है, किसी ने अपनी जेवर बेच के या ज़मीन गांव की बेच के यहाँ पे आया है, उनके मकानों की रजिस्ट्री नहीं हो रखी है, फुल पेमेंट एग्रीमेंट कराने पड़ रहे हैं उन लोगों को, बड़ी दिक्कत में इस टाइम लोग जी रहे हैं। ऐसे लगता है आपको कि नगर निगम के कुछ ना कुछ लोग तो शामिल होंगे, क्योंकि सारा कुछ डाटा चोरी किया जाता है, जानकारी चोरी की जाती है, नंबर्स जो है किए जाते हैं, ऐसा तो है नहीं कि बगैर नगर निगम के कोई अधिकारी कर्मचारी शामिल ना होने के बावजूद बाहर के लोगों ने इस घोटाले को अंजाम दे दिया? देखिए, ये तो कहना भी कुछ, मैं कुछ भी कहूँगा तो ज़्यादा जल्दबाजी होगी, अभी तो धीरे धीरे सब कुछ पता चल ही जाएगा, आपके सामने शायद हमारे से पहले ही कुछ ना कुछ आ जाए आपके स्रोत। लेकिन हम तो लगातार एक महीने से कवरेज कर रहे हैं इस घोटाले को, लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि जिस तरह के पहले करनाल में घोटाले हुए हैं, आटा घोटाला रहा हो, खाद्य पूर्ति विभाग के घोटाले रहे हो, लाइट घोटाले रहे हो, उनकी जाँच आज तक सिरे नहीं चढ़ी। जिस घोटाले की हमने देखा है कि जाँच लंबी चली जाती है, तो उसकी जाँच आज तक कभी पूरी नहीं होती। देखिए, ये तो बहुत ऊपर के लेवल की बात है, हम तो एक छोटे से ज़मीन से जुड़े हुए एक MC हैं और जो भी हमारे सामने कोई भी गलत बात आएगी तो उसको हम जरूर उठाएंगे। और मतलब आप सभी पार्षद चाहेंगे कि घोटाले की जो जांच है वो ठंडे बस्ते में नहीं जानी चाहिए दूसरे घोटालों की तरह? बिल्कुल नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ये एक आम आदमी से जुड़ा हुआ एक मामला है, इसके अंदर अगर ये ठंडे बस्ते के अंदर चली गई तो एक आम आदमी की हार होगी, तो इस बात को हम लगातार उठाते रहेंगे। और रही हाउस की मीटिंग की और अपने वार्ड के मुद्दे रखने की, तो मैं आपको बता दूं कि मेरा वार्ड एक बहुत स्लम वार्ड है और ये वहाँ पे बहुत सारी हमारी कॉलोनियाँ ऐसी हैं जो 90-95% तक बस चुकी हैं, तो उनको भी अप्रूव कराने की एक मांग रखी जाएगी अपने हाउस की मीटिंग के अंदर।
और जो विकास कार्य चल रहे हैं कुछ हमारे जो है पृथ्वी विहार, एमसी कॉलोनी, करण विहार और दुर्गा कॉलोनी रोड होगी या उत्तम नगर दुर्गा कॉलोनी के बीच की रोड होगी, ये कार्य चल रहे हैं। जो अंदर की गलियां हैं जो कार्य नहीं चल पा रहे हैं तो उनको सुचारू रूप से चलवाने के लिए तमाम मुद्दों को लेकर आज पार्षदों की जो है नगर निगम की हाउस की मीटिंग होनी है और इस समय जो है पप्पू लाठर जी जो फूसगढ़ से एमसी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। पप्पू लाठर जी क्या कहना चाहेंगे नोट ड्यू सर्टिफिकेट घोटाले पर, दो शब्द आप भी बताएं क्योंकि महीना हो चुका है आरोपी एक भी गिरफ्तार नहीं है, क्या उम्मीद है आपको कि आरोपी गिरफ्तार होंगे? बिल्कुल, पार्षद आज ये अपना उसकी मीटिंग में भी मुद्दा उठेगा ये पूरे जोर शोर से, और जो भी हमारी तो यही है भाई, दोषी कोई बचे नहीं और निर्दोष कोई फंसे नहीं, आम आदमी के खून पसीने की गाढ़ा कमाई की ये बात है, घोटाला का जो भी इसमें जिसने भी किया है उसकी जांच चल रही है। तो क्या मामला हुआ था ये कुछ पता चला था आपको? नहीं ये तो पता चले नहीं, यही अभी इस तरह की कोई फर्जी आईडी वगैरह कुछ ये ऐसा पता लगा था। बाकी इतना समय लग जाता है कि फ़ोन नंबर्स आ गए सारा कुछ आ गया उसके बावजूद भी अब तक एक की भी गिरफ्तारी नहीं हुई, महीना हो चुका है, तो ये तो जांच का विषय है, अभी जांच चल रही है। जैसे आपने पहले कहा अभी कई घोटालों की जांच चल रही है, वो तो एक जो हमारे मंत्री जी हैं अनिल विज जी उनका मंत्रालय है, तो जैसे वो घोषणाएँ करते हैं बातें करते हैं भाई हम अपना जल्दी से जल्दी कोई घोटाला नहीं होने देंगे, जो घोटाला करेगा तो उसको बख्शेंगे नहीं, उम्मीद है कि ऐसे कुछ होगा। तो सभी एमसी एक एक करके यहाँ पर मौजूद है और आज की जो मीटिंग है काफी अहम होने वाली है, कुछ ही देर में हाउस की मीटिंग शुरू होगी और इस समय मॉडल टाउन से जो पार्षद है गिन्नी वीर हमारे साथ मौजूद है। गिन्नी जी क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज की मीटिंग काफी खास है क्योंकि कहीं ना कहीं नो ड्यू सर्टिफिकेट घोटाले को लेकर हंगामा हो सकता है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सारा जवाब पूछेंगे उनसे, अभी तक क्या कार्रवाई हुई है और अपने मुद्दे रखेंगे उनका, हर मुद्दे पे बात करेंगे, जो हमारे एजेंडे हैं हर एजेंडे पे बात करेंगे उनसे, जो हमने एजेंडे दिए वही हमने आज बैठ के पहले डिस्कस करें। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, घोटाले पर भी बात करेंगे या उस पर क्या रहेगा? वही मैंने आपको पहले, आपने ध्यान नहीं करा, मैंने वही करा, सबसे पहला सवाल ही हम एनडीसी का पूछेंगे, अगला मीटिंग फिर चलेगी। लगता है कि एक महीना हो चुका है अभी तक एक भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ जी, ये पूछ के बताएंगे जी, हमें तो पता नहीं क्योंकि इसकी जांच तो वही कर रहे थे, हम तो कर नहीं रहे थे। तो कुछ और पार्षद है कि करके सभी पार्षदों से बातचीत करेंगे, वीर विक्रम कुमार जी हैं सेक्टर 13 से। वीर विक्रम जी आज हाउस की मीटिंग है, सभी की निगाहें टिकी हुई है, क्या मुद्दा रहेगा? नो ड्यू सर्टिफिकेट घोटाले पर सभी की चर्चा है, नगर निगम में एक बड़ा घोटाला हो जाता है, एक महीना पहले कार्रवाई हो रही है लेकिन अभी तक एक भी आरोपी गिरफ्तार नहीं, इसी मुद्दे पर चर्चा रहेगी आज? नहीं सारी चर्चा रहेगी, अभी डिस्कस भी किया हमने, एक तो जो शहर में विकास कार्य चल रहे हैं उन पर भी चर्चा चलेगी कि क्या उसमें कमी है, क्या और इम्प्रूवमेंट हो सकती है, और भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में बहुत अच्छे विकास कार्य चल रहे हैं उसको किस तरह और बढ़िया तरीके से किया जाए उसके बारे में होगी, और शहर में जो कुत्तों और बंदरों की समस्या सबसे ज़्यादा आ रही है उसके बारे में भी है, और कई जगह ऐसे है कि जो ठेकेदार लापरवाही से काम कर रहे हैं, मतलब खुदाई कर रहे हैं, काम आगे नहीं चल रहा, स्लो स्पीड में जो काम चल रहा है वो सारे मामले संज्ञान में और सारा लेके और इसको करेंगे। तो नगर निगम हाउस की मीटिंग है, इस समय डिप्टी मेयर करनाल और सीनियर डिप्टी मेयर भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे हाउस की मीटिंग होती है कई महीनों बाद, शहर के लोगों की कहीं ना कहीं निगाहें जो है उस पर टिकी रहती है, और एक नगर निगम में पिछले महीने एक नो ड्यू सर्टिफिकेट घोटाला आया था जिसको लेकर जो है पहले भी हमने आपका इंटरव्यू लिया था, महीना हो चुका है एक भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ, उम्मीद है क्या होगा कोई आरोपी गिरफ्तार जल्द से जल्द? आज क्या नाम है, हमने इसको डाला हुआ है अपने एजेंडे में, इसको पता करेंगे क्योंकि आपने अभी तक जो इस प्रकार इतना बड़ा घोटाला कोई हो गया है तो अगर इतना कोई स्कैंडल था क्या उस पर कार्रवाई की है या कोई गिरफ्तारी हुई है कि आज इसका हम आधिकारिक तौर पे इस मीटिंग के माध्यम से आज जवाब लेंगे इसका। आपको पता है कि कहीं ना कहीं अगर घोटाले की जांच लंबी चली जाती है तो कहीं ना कहीं वो ठंडे बस्ते में चली जाती है, उस पर वो एक्शन नहीं होता जो होना चाहिए था, तुरंत होना चाहिए था। नहीं पता क्या है, जैसे अब ये साइबर क्राइम का फ्रॉड हुआ था तो मानो चलो कोई वैसे फिजिकली किसी को चोट लगी तो वो इतना नहीं होता, लेकिन साइबर क्राइम का था तो इसमें कुछ साइबर क्राइम से रिलेटेड जो अधिकारी थे वो भी इसकी जांच कर रहे थे भाई किस तरह आईडी से या किस लिंक के माध्यम से या किस चैनल से भाई कैसे कैसे ये फ्रॉड हुआ है, तो इसलिए वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो गया, और बाकी जाँच इसकी जा रही है ये कन्फर्म है, लेकिन अभी तक उसमें क्या कार्रवाई हुई आज उसके बारे में हम डिटेल लेंगे। तो देखते हैं क्या कुछ निकल कर सामने आता है, करनाल ब्रेकिंग न्यूज लगातार जो है आज की हाउस मीटिंग पर भी आपको कवरेज दिखाता रहेगा। ये थे डिप्टी मेयर एडवोकेट नवीन कुमार, इस समय सीनियर डिप्टी मेयर और एमसी युद्धवीर सैनी हमारे साथ मौजूद है, पहले सीनियर डिप्टी मेयर से बातचीत करते हैं। राजेश अग्गी जी आज की हाउस मीटिंग पर सभी लोगों की निगाहें हैं कि कहीं ना कहीं नो ड्यू सर्टिफिकेट घोटाले में कुछ ना कुछ तो आज होगा, लगता है कि कुछ होगा इसमें, जांच हालांकि पुलिस कर रही है लेकिन एक महीने में लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अभी तक एक भी कसूरवार एक भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ। नहीं अभी जांच चल रही है,
तो अभी हम मीटिंग में जाके हमारा सबसे पहला सवाल यही होगा कि उसके बारे में पूरी पूछताछ की जाएगी, कहाँ तक ये जांच पहुँची है, और उसके बाद कमिश्नर साहब से और उनसे बात करके बाकी जो बात होगी वो हम शाम को बताएंगे आपसे। लेकिन क्या लगता है कि महीना हो चुका है, नंबर सामने आ गए थे जिन्होंने हैक किया, सॉफ्टवेयर सारा कुछ हुआ, लेकिन एक भी आरोपी गिरफ्तार, जब तक एक भी आरोपी गिरफ्तार नहीं होगा उसका रिमांड नहीं होगा, और खासतौर पर जिन लोगों ने रजिस्ट्रियाँ करी हैं, 200 के करीब रजिस्ट्रियाँ हुई हैं जिन्होंने फर्जी OTP और फर्जी सर्टिफिकेट लिया है, उनसे पूछताछ करते ही पता चलेगा कि आपने किसको पैसे दिए और किससे काम करवाया, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं, जांच चल रही है, देखो अब जांच में SHO जब अब बताएगा हमारे को, हमारे जो कमिश्नर साहब हैं उनसे लगातार संपर्क बना हुआ है जॉइंट कमिश्नर साहब के साथ, अब वहाँ मीटिंग में जा रहे हैं, उनसे पूछेंगे भी कार्रवाई कहाँ तक हुई है, और जो जो जिन जिन लोगों का नाम आया है उनको नाम भी पूछा जाएगा, और जो भी सारी बात। सवाल है कि जिस तरह के करनाल में पहले कहीं घोटाले सामने हुए हैं, इस तरह का ये भी घोटाला कहीं ठंडे बस्ते में ना चला जाए? नहीं, ऐसी बात नहीं है, जो भी कसूरवार होगा उसको सजा मिलेगी, ऐसी कोई बात नहीं। तो जो भी कसूरवार होगा उसको सजा मिलेगी। पार्षद युद्धवीर सैनी, मित्तू सैनी हमारे साथ मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे आज की हाउस मीटिंग में, क्या हंगामा हो सकता है, क्योंकि आज तो काले चश्मे चढ़ाकर आप जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चश्मे लगता है कि सामने अधिकारियों के उतारेंगे? हाँ जी, आज जो ये बेलगाम अफसरशाही है इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे, जिस तरह से हम कई मुद्दे हैं, मतलब पिछले 6 महीने से मीटिंग नहीं हुई थी, जो जो मुद्दे हैं हमारे हाउस से रिलेटेड, वार्ड से रिलेटेड, और जो निगम में अफसरशाही इतनी हैवी हो चुकी है, इसके खिलाफ आम जनता की आवाज़ उठाई जाएगी आज। उसमें नो ड्यूज सर्टिफिकेट घोटाला याद होगा आपको, 1 महीना पहले उस पर पर्चा दर्ज हुआ था, NDC घोटाला हुआ था, उसमें पर्चा दर्ज हुआ था, उसमें अधिकारियों ने ट्रांसफर करानी शुरू कर दी, एक अधिकारी तो कल ट्रांसफर करा के चला गया यहाँ से, उसी में जो एक पार्ट था मैं उसका, तो उसमें वो चला गया, अब उसके रिलेटेड जो भी हाउस से कौन अधिकारी हैं वो यूँ लगा लो जी, मेन तो एक EO थे, वो चले गए यहाँ से ट्रांसफर, हमें आज ही पता चला। मतलब ट्रांसफर करानी शुरू कर दी है, मतलब घोटाले को ठंडे बस्ते में डालने की तैयारी है, डालने के लिए जी, आज कोई नहीं, हाउस में सबका हिसाब कर लेंगे आज। मीडिया अंदर अलाउड होगा? मीडिया के बिना हम मीटिंग नहीं चालू होने देंगे, सबसे पहले मीडिया, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों के लिए वो एक मीडिया ही हमारा माध्यम है, आप ये हमारे माध्यम है जिससे हम आम आदमी तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं। तो ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से EO ने एक ने ट्रांसफर ले लिया, और आगे देखना होगा कि आखिरकार इस मामले में क्या कुछ निकल कर रहता है, और हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और जुड़े रहिएगा हमारे साथ, ताकि जल्द से जल्द इस मामले की जांच हो सके। हालांकि एक पार्षद ने यह भी आरोप लगाया है कि इसमें कुछ अधिकारी जो है अपनी ट्रांसफर करानी शुरू कर दी, हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, बताएंगे कि क्या नो ड्यूज सर्टिफिकेट घोटाले में क्या जांच होती है, क्या कुछ होता है, जुड़े रहिएगा हमारे साथ और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।